तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 बज रहे हैं। अभी मेरा चीज़ जो आने वाला था कल रात को वो आज से डिलीवरी हो रहा है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से चीज़ को ब्रूडिंग पे लिया जाता है, उसके लिए हम लोग को क्या क्या कौन सी चीज़ में ज़्यादा करके ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो टोटल क्रेट्स है तो इसको एक एक करके पूरा फार्म के अंदर घुसाया गया है, क्योंकि एक्चुअली बाहर में लेने से ही सबसे अच्छा होता, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप चल रहा है तो इसलिए सोचा कि फार्म के अंदर ही घुसा देने के लिए। और यहाँ पे जो चिक्स का क्वालिटी एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि कैसा है, और इसके साथ चिक्स में कोई भी लंगड़ेपन या तो फिर कोई भी मोर्टालिटी मुझे अभी तक नहीं नज़र में आ रहा है। तो दोस्त चलिए मैं चिक्स को पहले काउंटिंग करके फार्म के जो ब्रूडिंग है उस पर छोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से चिक्स जो है उसको ब्रूडिंग पे छोड़ा जाता है, जाके जो लंगड़ेपन का समस्या है कम से कम बने। फ्रेंड्स धीरे धीरे यहाँ का जो काउंटिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो रहा है, वहाँ पे मेरा बंदा छोड़ रहा है चिक्स को। दोस्त चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ब्रूडिंग पे छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी चिक्स को ब्रूडिंग पे छोड़ दिया गया है, और आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चिक्स को जो पानी देने का जो काम है उसको पहले से ही निपटा रखने के लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि चिक्स तुरंत आते ही कैसे पानी इंटेक कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी करना चाहिए, और यहाँ पे भी कम्प्लीट हो गया, 10-10 करके जो क्रेट है उसको दिया जा रहा है। तो दोस्त अभी ये दो बाकी ब्रूडिंग को देने का जो तरीका है आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ से पकड़ के ब्रूडिंग पे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पैर में अगर चोट लग जाएगा उसका लंगड़ेपन का जो समस्या है वो भी हो सकता है। और बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं ये क्रेट को पकड़ के उल्टा कर देता है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं जाली टाइप का है यहाँ पे पैर फंस के थोड़ा सा डिजेबल हो जाता है, तो ये जाके ना हो, थोड़ा थोड़ा करके चिक्स को लीजिए और ब्रूडिंग पे छोड़िए। इस बार को जो चिक्स मैंने लिया ये 2800 के आसपास होगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 10-12 ऐसा कुछ चिक्स कम हो सकता है। तो दोस्त इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पल्टी फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।